नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 8 जुलाई, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अब टीचरों के बाद स्टूडेंटों की भी बनेगी ऑनलाइन हाजिरी। जाति आधारित गणना पर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी। बिहार में 3700 तटबंध सुरक्षा कर्मी करेंगे बांधों की निगरानी। तकनीकी एवं गैर तकनीकी क्षेत्र में योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए रोजगार पाने का मौका। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन के संबंध में आवश्यक सूचना। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 55 एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम से सेना में भर्ती। इंडियन आर्मी की ओर से शॉर्ट सर्विस कमीशन 55 स्पेशल एंट्री 2023 भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस भर्ती में महिला एवं पुरुष दोनों अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। महिला एवं पुरुष अभ्यर्थी का अविवाहित होना अनिवार्य है। इसमें आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने किसी भी स्ट्रीम से स्नातक उत्तीर्ण किया हो और इसके साथ ही एनसीसी का सी सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। अभ्यर्थी की आयु 1 जनवरी 2024 के अनुसार न्यूनतम 19 वर्ष एवं अधिकतम 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ऊपरी आयु सीमा में छूट नियमानुसार प्रदान की जाएगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए भारतीय सेना की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से आवेदन भर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 3 अगस्त 2023 तक निर्धारित की गई है। अब टीचरों के बाद स्टूडेंटों की भी बनेगी ऑनलाइन हाजिरी। जब से के पाठक को शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तब से लगातार शिक्षा विभाग खुद में हो रहे बदलाव को लेकर चर्चा में बना हुआ है। बता दें किसी कड़ी में अब के पाठक के द्वारा आदेश पारित कर कहा गया है कि अब राज्य के टीचरों के साथ स्टूडेंट्स को भी ऑनलाइन हाजिरी बनानी होगी। मालूम हो कि इसको लेकर एक मोबाइल ऐप भी बनाया जा रहा है, जो कि शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा तैयार किया जा रहा। इस मोबाइल ऐप में स्कूल हेडमास्टर, शिक्षक और विद्यार्थी के लिए अलग अलग मॉड्यूल तैयार किए गए हैं, जिसके तहत यूडायस 2021-22 के आधार पर पहले शिक्षक प्रोफाइल से संबंधित आंकड़े और फिर स्टूडेंट संबंधित आंकड़े डाले जाएंगे और फिर उनकी आईडी बनाई जाएगी, ताकि वे इसके जरिए प्रतिदिन अपनी हाजिरी बना सके। स्टूडेंट्स की हाजिरी बनाने के लिए स्कूलों में क्लास वाइज डाटा कलेक्ट किया जाएगा। बता दें कि ऐप की शुरुआत बिहार की राजधानी पटना से 16 जुलाई को की जाएगी और फिर रजिस्टर पर हाजिरी बनाने का सिस्टम खत्म हो जाएगा, जिससे कि हाजिरी के साथ होने वाले फर्जीवाड़े भी नहीं हो पाएंगे। मालूम हो कि इससे पहले विभाग की ओर से शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए ड्रेस कोड भी लागू कर दिया गया है, जिसके तहत प्रशिक्षण के दौरान पुरुष शिक्षक को फॉर्मल पैंट और महिला शिक्षकों को सलवार कमीज या साड़ी पहननी होगी। इसके साथ ही विभाग में काम करने वाले पदाधिकारी और कर्मचारी के लिए भी ड्रेस कोड लागू किया गया था, जिसके तहत जीन्स पैंट और टी शर्ट में ऑफिस आने पर रोक लगा दी गई थी और फॉर्मल ड्रेस में कार्यालय आने को निर्देश दिया गया था। बिहारी बोधनी में आज हम बात करेंगे ऋचा सोनी के बारे में। ऋचा सोनी का जन्म आज ही के दिन 1985 में हुआ था। यह एक भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री हैं। उन्होंने शरारत से डेब्यू किया था। वह कलर टीवी के डेली शो भाग्य विधाता में विद्या की भूमिका के लिए जानी जाती है। वनचले व सरोज खान सीजन 2, बदलते रिश्तों की दास्ता, जाट की जुगनी और सिया के राम जैसे शो में भी दिखाई दी है। उन्होंने द साइलेंट स्टैचू कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित जैसी लघु फिल्में भी की और उन्होंने दूसरे झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2019 में लघु फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता। अब तक उन्होंने 2 अलग अलग भाषाओं, हिंदी और तेलुगु में काम किया है। यह एक प्रशिक्षित कथक नर्तकी भी हैं। ऋचा सोनी एक बंगाली हैं, जिनका जन्म और पालन पोषण बिहार के मुजफ्फरपुर शहर में हुआ है, जहां से उन्होंने अपनी स्कूली और कॉलेज की पढ़ाई की। फिर वह मुंबई चली गई। सोनी ने फरवरी 2019 में 2 अलग अलग समारोहों में बंगाली, हिंदू और मुस्लिम रीति रिवाजों के साथ बिजनेसमैन जिगर अली सुंभनिया से शादी की। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती को लेकर पुलिस मुख्यालय ने की अपील। अगर आप भी बिहार पुलिस में अपनी सेवा देना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और बहुत जल्द ही आवेदन की अंतिम तिथि भी नजदीक आने वाली है। ऐसे में बिहार पुलिस मुख्यालय के ADG जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा इच्छुक अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि उन्होंने अपील करते हुए कहा कि बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती के लिए नियुक्ति निकाली गई है। 20 जून से फॉर्म भरा जा रहा है और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 जुलाई तक है। ऐसे में जो युवा बिहार पुलिस में सेवा देना चाहते हैं और फॉर्म नहीं भर पाए हैं, वे 20 जुलाई तक विभाग के वेबसाइट www.csbs.bih.nic.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस भर्ती से सिपाही के कुल 21,391 पदों को भरा जाना है।
जाति आधारित गणना पर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ के द्वारा बीते दिन बिहार सरकार द्वारा जातीय गणना और आर्थिक सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की गई और निर्णय को सुरक्षित रखा गया। बता दें कि इस मामले को लेकर बीते 5 दिनों से लगातार चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ के द्वारा सुनवाई की जा रही थी। वहीं अब यह सुनवाई पूरी हो चुकी है और इसके निर्णय को सुरक्षित रख लिया गया है। मालूम हो कि बीते दिन भी राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही के द्वारा कोर्ट को बताया गया कि सर्वे है जिसका उद्देश्य आम नागरिकों के संबंध में आंकड़ा एकत्रित करना है जिसका उपयोग उनके कल्याण और हित के लिए किया जाएगा। सर्वेक्षण के दौरान किसी को जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं किया जा रहा। इसके साथ ही उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि सर्वेक्षण का कार्य लगभग 80% पूरा हो चुका है और ऐसा सर्वेक्षण कराना राज्य सरकार के अधिकार में है। सर्वेक्षण में किसी के निजता का उल्लंघन नहीं हो रहा। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को कहा गया कि राज्य सरकार के द्वारा इस जातीय सर्वेक्षण के उद्देश्य के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है। राज्य सरकार की ओर से यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि राज्य की जनता के हितों और कल्याण के लिए इस सर्वेक्षण किया जा रहा है, पर यह सर्वेक्षण से आम नागरिकों को किस प्रकार से लाभ मिलेगा। बता दें कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 14 जुलाई 2023 को सुनवाई होनी है। बिहार में एडमिशन रद्द कराने पर अब वापस होगी पूरी फीस। बिहार में एडमिशन रद्द कराने पर छात्रों को अब उनकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। बता दें कि इस बारे में UGC के द्वारा राज्य के सभी यूनिवर्सिटी को पत्र जारी कर दिया गया है। बता दें कि जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि कई यूनिवर्सिटी व कॉलेज एडमिशन कैंसिल कराने पर स्टूडेंट्स को फीस वापस नहीं करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब अगर छात्रों को एडमिशन कैंसिल करवाने पर यूनिवर्सिटी की ओर से फीस रिफंड नहीं किया जाता तो उसकी शिकायत छात्र UGC के पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं, जिसके बाद UGC के द्वारा छात्रों की शिकायत के आधार पर विश्वविद्यालयों पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और विद्यार्थियों को फीस वापस दिलाई जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि UGC की ओर से जारी किए गए निर्देश के अनुसार यदि विद्यार्थी 30 सितंबर तक अपना एडमिशन रद्द करवाते हैं तो उन्हें विश्वविद्यालय की ओर से पूरी फीस लौटाई जाएगी। वहीं 31 अक्टूबर तक एनरोलमेंट वापस लेने वालों के लिए प्रोसेसिंग फीस के रूप में 1,000 रुपए से अधिक की कटौती नहीं की जाएगी। 1.5 लाख पंचायत प्रतिनिधियों को खाते में भेजी गई भत्ता राशि। पहली बार राज्य के 1.5 लाख जन प्रतिनिधियों जिनमें पंचायती राज प्रतिनिधि, मसलन जिला परिषद अध्यक्ष, सदस्य, मुखिया, पंच, सरपंच, वार्ड सदस्यों के खाते में राज्य मुख्यालय से सीधे PFMS के द्वारा उनके मासिक भत्ता का राशि का भुगतान कर दिया गया है। वहीं बाकी बचे शेष जन प्रतिनिधियों के बैंक खाते को PFMS सिस्टम में प्रविष्ट कराई जा रही है और मिलान के बाद तेज गति से इस काम को पूरा किया जा रहा। बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रतिनिधियों को उनके लिए तय भत्ते की राशि का भुगतान स्थानीय स्तर पर जिलों के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन इसमें होती देरी को देख विभाग के द्वारा इस राशि को देने का निर्णय सीधे राज्य मुख्यालय से करवाने का लिया गया। मालूम हो कि पंचायती राज विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में करीब 2.57 लाख पंचायत राज प्रतिनिधियों को मासिक भत्ते की राशि भेजने का अभियान चलाया जा रहा है और अब तक दिसंबर 2022 से मार्च 2023 तक की भत्ते की राशि करीब 1.5 लाख लोगों को दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन के संबंध में आवश्यक सूचना। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा ट्वीट कर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना हेतु स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं से ऑनलाइन आवेदन के संबंध में जानकारी दी गई है, जिसमें बताया गया है कि राज्य के अंगीभूत एवं सरकार से मान्यता प्राप्त संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों तकनीकी संस्थानों से दिनांक 25 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2021 तक स्नातक समकक्ष उत्तीर्ण वैसी छात्राएं जो किसी कारण से ई कल्याण पोर्टल पर आवेदन नहीं कर पाई थी, वैसे छात्राओं को प्रोत्साहन भत्ता के रूप में एक मुस्त मात्र 25,000 रुपए दिए जाने हेतु पोर्टल medhasoft.bih.nic.in के मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना 2019-2020 के लिंक 1 और लिंक 2 पर आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है, जिस पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 तक निर्धारित की गई थी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 23 जुलाई 2023 तक कर दी गई है। ऐसे में अब छात्राओं को आवेदन करने का एक और मौका मिल गया है। तकनीकी सहायता के लिए जारी किए गए मोबाइल नंबर 9534547098 या 8986294256 एवं ईमेल mkuysnatakhelp@gmail.com पर सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे जैन मंदिर कुंडलपुर के बारे में। यह स्थान शांति और अहिंसा के विश्व उद्घोषक भगवान महावीर के जन्म स्थली के रूप में विश्व विख्यात है। नालंदा के खंडर से महज 1.6 किलोमीटर की दूरी पर यह जगह कुंडलपुर कहा जाता है। जैनियों के दिगंबर संप्रदाय का मानना है कि यहाँ 24वें और अंतिम तीर्थकर भगवान महावीर का जन्म हुआ था। इस गाँव में कई जैन मंदिर है। वर्तमान मंदिर की संरचना काफी भव्य एवं अलौकिक है। मंदिर का शिखर 51 फीट ऊंचा है एवं उस पर स्वर्ण ध्वज
स्थापित यह स्थान जैन धर्मावलंबियों का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। मंदिर के पास के दो झील जो दुर्ग पुष्करणी और पांडव पुष्करणी के नाम से जाने जाते हैं यहाँ की खूबसूरती को और भी प्रज्वलित करते हैं। इस मंदिर परिसर के अलग इमारत में जैन धर्म के 72 तीर्थंकरों की छवियों को भी प्रदर्शित करते हैं जिसे त्रिकाल चौबीसी जैन मंदिर के भी नाम से जाना जाता है। बिहार में 3700 तटबंध सुरक्षा कर्मी करेंगे बांधों की निगरानी। बिहार में नदियों के जलस्तर में होती बढ़ोतरी को देखते हुए बाढ़ की आशंका बढ़ने लगी है। ऐसे में राज्य सरकार के द्वारा तटबंधों की चौकसी बढ़ाते हुए तटबंधों की निगरानी की जिम्मेदारी तटबंध सुरक्षा कर्मियों को सौंप दी गई है। बता दें कि सुरक्षा के तहत हर किलोमीटर पर एक एक तटबंध श्रमिक की तैनाती की जाएगी। इस तरह इन तटबंधों की मदद से सूबे के सभी तटबंध पर नजर रखा जाएगा। इसके साथ ही ये तटबंध संकट के समय से संबंधित अधिकारियों और मुख्यालयों को सूचित भी करेंगे और साथ ही तटबंधों की मरम्मत का भी काम करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के द्वारा तटबंधों की निगरानी की जिम्मेदारी कुल 3700 तटबंध सुरक्षा कर्मियों को दी गई है जो राज्य में मौजूद 3790 किलोमीटर लंबे तटबंधों की निगरानी करेंगे। वहीं जरूरत पड़ने पर और संवेदनशील या अति संवेदनशील तटबंधों पर 1 किलोमीटर के दायरे में एक से अधिक तटबंध सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति की जा सकती है। राज्य के 12 विश्वविद्यालयों का जारी होगा परीक्षा कैलेंडर। राज्य में कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां सत्रों को समय पर खत्म नहीं किया जाता। ऐसे में शैक्षणिक सत्रों को नियमित करने के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा ठोस कदम उठाया गया है। दरअसल बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा राज्य के 6 विश्वविद्यालयों की परीक्षा लेने और परिणाम जारी करने की टाइमलाइन को घोषित कर दिया गया था जिनमें पटना विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, मुंगेर विश्वविद्यालय और मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय के नाम शामिल है। बता दें कि जारी की गई अधिसूचना के अनुसार सेमेस्टर वाइज शेड्यूल जारी होगा। वहीं विश्वविद्यालयों को टाइमलाइन के मुताबिक ही परीक्षा लेनी होगी और परीक्षा के परिणाम घोषित करने होंगे। इसके साथ ही अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत संबंध कॉलेजों के सभी पदाधिकारी, कर्मी, वीक्षक तथा परीक्षा के संबंध रखने वाले सभी व्यक्ति भारतीय दंड विधान के तहत लोक सेवक समझे जाएंगे। उन्हें किसी के अनुसार कर्तव्य का पालन भी करना होगा। वहीं विश्वविद्यालयों को यह भी निर्देश दिया गया है कि अगर कोर्स को पूरा करने के लिए जरूरत पड़े तो अतिथि शिक्षकों को भी नियुक्त करें और साथ ही आवश्यकता अनुसार सायकालीन और ऑनलाइन कक्षाएं लगाई जाए। विधिवत पाठ योजना को भी आवश्यकता अनुसार लागू किया जाए। मालूम हो कि इसके तर्ज पर ही बहुत जल्द ही राज्य के अन्य 6 विश्वविद्यालयों के लिए भी परीक्षा कैलेंडर जारी किए जाएंगे जिसके बाद कुल 12 ऐसे विश्वविद्यालय हो जाएंगे जिनके परीक्षा कैलेंडर जारी किए गए होंगे। अब राज्य में पानी पर भी लगेगा टैक्स। बहुत जल्दी राज्य भर के लोगों को पानी के उपयोग के बदले शुल्क देना होगा जिसे वाटर चार्ज के तौर पर वसूल किया जाएगा। बता दें कि इसके लिए नगर विकास विभाग के द्वारा पटना नगर निगम के साथ ही सभी नगर निकायों को इस संबंध में संकल्प पत्र भेज दिया गया है। मालूम हो कि इसको लेकर नगर विकास विभाग द्वारा जारी निर्देश में लोगों को भुगतान की प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया है। घरेलू के साथ सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अपने होल्डिंग व प्रॉपर्टी टैक्स के साथ ही वाटर चार्ज भी देना होगा। नगर विकास विभाग पेयजल उपयोग शुल्क नीति 2021 को जल्द ही पूरे राज्य में लागू करेगा। बता दें कि इसके तहत 5 श्रेणी में वाटर टैक्स लागू होगा जो कि घरेलू उपभोक्ता, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सरकारी संस्थान, गैर सरकारी संस्थान, छोटी औद्योगिक इकाई और बड़ी औद्योगिक इकाई के लिए अलग अलग है। तकनीकी एवं गैर तकनीकी क्षेत्र में योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए रोजगार पाने का अवसर। अगर आप भी बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश में हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि IPRD बिहार के द्वारा ट्वीट कर यह जानकारी दी गई है कि 14 और 15 जुलाई को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ITI दिग्घा पटना में बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के द्वारा 2 दिवसीय नियोजन सह मार्गदर्शन मेला आयोजित किया जाएगा जिसमें राज्य के तकनीकी एवं गैर तकनीकी क्षेत्र में योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी निजी क्षेत्र में रोजगार पाने के लिए इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। बता दें कि इस रोजगार मेले में रिक्तियों की संख्या कुल 2500 है। वहीं इस रोजगार मेले में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को वेतन के रूप में 10,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक दिए जा सकते हैं। वैसे अभ्यर्थी जो इस रोजगार मेले में भाग लेने के इच्छुक है वह https://bit.ly/july2023jobfair पर जाकर देख सकते हैं। राज्य में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी। बिहार में पिछले कुछ दिनों से हो रहे बारिश से लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। वहीं मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार आज यानी कि 8 जुलाई को राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भाग तथा उत्तर मध्य भाग के सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर के जिलों में एक या दो स्थानों पर वज्रपात के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना जताई गई है। वहीं अगर कल यानी कि 9 जुलाई के मौसम की बात करें तो राज्य एवं अधिकांश जिलों में एक या दो स्थानों में वज्रपात के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना जताई गई है। वहीं
पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया से कटिहार जिलों में एक या दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि IMD बिहार के द्वारा राज्य में 11 जुलाई 2023 तक कई जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। स्विंग मशीन ऑपरेटर कोर्स में प्रशिक्षण के लिए करें आवेदन। अगर आपकी भी रुचि स्विंग मशीन ऑपरेटर में है और आप इससे जुड़ा प्रशिक्षण लेना चाहती हैं तो यह खबर आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। दरअसल बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा अपने ऑफिशियल ट्विटर साइट पर ट्वीट कर यह जानकारी दी गई है कि इन दिनों बाजार में दक्ष स्विंग मशीन ऑपरेटर की मांग काफी बढ़ गई है। ऐसे में बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा कुशल युवा समृद्ध युवा के तहत स्विंग मशीन ऑपरेटर कोर्स में प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। हालांकि इस प्रशिक्षण के लिए कुछ जरूरी योग्यता भी निर्धारित की गई है, जिसके अंतर्गत इच्छुक उम्मीदवार की आयु 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए और साथ ही वह उम्मीदवार 8वीं कक्षा पास भी होना चाहिए। बता दें कि इस ट्रेनिंग की अवधि 2 महीने के लिए निर्धारित की गई है। इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप जारी किए गए नंबर 7990559096 7808024707 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कार्य दिवस के दौरान 1800123 6525 पर या वेबसाइट स्किल मिशन .org पर जाकर जानकारी हासिल कर सकते हैं। 1.5 करोड़ पौधारोपण का अभियान 15 सितंबर तक चलेगा। बिहार में मॉनसून का आगमन हो चुका है, जिससे कि मिट्टी में भी थोड़ी सी नमी आ गई है। ऐसे में राज्य में 2.5 करोड़ पौधारोपण का अभियान शुरू कर दिया गया है, जो कि 15 सितंबर तक चलने वाला है। बता दें कि इस अभियान में ग्रामीण विकास विभाग और वन विभाग के द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा। मालूम हो कि ग्रामीण विकास के द्वारा बड़े पैमाने पर पौधारोपण के लिए मनरेगा के श्रमिकों को काम पर लगाया गया है। इसके साथ ही इस कार्य में जीविका दीदियां भी लगी हुई हैं। विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार 1 जुलाई से शुरू हुए पौधारोपण का काम अब तक 4% पूरा कर लिया गया है, यानी कि 6.5 लाख पौधे अब तक लगाए जा चुके हैं। मालूम हो कि लगाए जा रहे इन पौधों में से 85 से 90% पौधे दीदी की पौधशाला तथा वन विभाग द्वारा तैयार किए गए हैं, वहीं बाकी बचे पौधे खुले बाजार से लिए गए हैं। इस अभियान के तहत कुल 1.61 करोड़ पौधे लगाए जाने हैं, जिनमें से राज्य के सभी 8057 पंचायतों में 2000 पौधे लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के तहत छात्राओं को मिल रही इतनी राशि। बिहार के बालिकाओं के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कई तरह की योजनाएं शुरू की गई हैं, जिससे कि बालिकाओं को सशक्त बनाने की कोशिश की जा रही। बता दें इसी के तहत बिहार सरकार की ओर से छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना की भी शुरुआत की गई थी, जिसके अंतर्गत राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ रही कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक के छात्राओं को स्कूल ड्रेस सिलवाने के लिए सहायता राशि दी जाती है। मालूम हो कि इस बारे में IPRD बिहार के द्वारा ट्वीट कर यह जानकारी दी गई है कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के तहत राज्य के सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 12वीं तक की छात्राओं को पोशाक के लिए मिलने वाली सहायता राशि कितनी होती है। बता दें कि शेयर किए गए ट्वीट के अनुसार वैसी छात्रा जो राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 2 तक में पढ़ती है, उन्हें सहायता राशि के रूप में 600 रुपए प्रदान किए जाते हैं। वहीं कक्षा 3 से 5 तक की छात्रा को 700 रुपए, कक्षा 6 से 9 तक की छात्रा को 1000 रुपए और कक्षा 9 से 12वीं तक की छात्रा को 1500 रुपए सहायता राशि के रूप में दिए जाते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए छात्राओं को अपने विद्यालय से संपर्क करना होगा। नई शिक्षा नीति पर शिक्षा मंत्री का बयान आया सामने। इन दिनों बिहार में नई शिक्षा नीति लागू करने को लेकर चर्चा तेज चल रही है। वहीं अब बीते दिन इस संबंध में बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर की अध्यक्षता में RJT प्रदेश कार्यालयों में पार्टी के तमाम विधायकों और विधान पार्षदों के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें नई शिक्षा नीति को लेकर चर्चा की गई और साथ ही उसमें संशोधन करने को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक के बाद शिक्षा मंत्री के द्वारा मीडिया से बातचीत करते हुए कहा गया कि जो भी निर्णय लिया जाएगा वह अच्छा और बुरा दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बैठक में सभी लोग आए थे। RJD और सरकार किसी भी हालत में शिक्षा के बाजारी कारण और व्यावसायिक कारण से खुद को अलग करेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति पर आज भी चर्चा हुई है और आगे भी चर्चा होगी। वहीं जब उनसे मीडिया के द्वारा KK पाठक के साथ हुए विवाद को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लोगों ने जो मंसूबा पाल रखा है वे उसमें सफल नहीं होने वाले। बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र को लेकर विस अध्यक्ष ने की हाई लेवल मीटिंग। 10 जुलाई से बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र की शुरुआत होने वाली है, जो कि 14 जुलाई यानी कि कुल 5 दिन तक चलने वाली है। इस दौरान विपक्षी पार्टी BJP की ओर से शिक्षक नियुक्ति समेत कई मुद्दों पर सरकार से सवाल किए जा सकते हैं, जिसमें उनके साथ उनके सहयोगी वामपंथी दलों के द्वारा भी दिया जाएगा। ऐसे में होने वाले सत्र को लेकर बीते दिन बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा बैठक आयोजित की गई, जो कि अधिकारियों और मीडिया प्रतिनिधियों के साथ अलग अलग किया गया था। एक तरफ जहां अधिकारियों के साथ हुई बैठक में अध्यक्ष के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के साथ सुचारू ढंग
माध्यम से विधानसभा को चलाए जाने को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए। तो वहीं इस बैठक में पटना के जिलाधिकारी के द्वारा अध्यक्ष को बताया गया कि सुरक्षा को लेकर कई इंतजाम किए गए हैं, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके साथ ही धरना प्रदर्शन को लेकर बारिश को देखते हुए विधानसभा के बाहर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है, ताकि बाहर जल जमाव न हो। वहीं दूसरी ओर मीडिया प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में पत्रकारों से रचनात्मक सहयोग मिलने की बात कही गई। उनसे कहा कि कई बार सदन में विधायक के द्वारा प्रजातंत्र को शर्मसार करने वाले हल्के विषय पर बयान दिए जाते हैं। ऐसे में इन विषयों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए और सदन के अंदर हुए अच्छे कामों को दिखाना चाहिए, ताकि जनता के बीच अच्छा संदेश पहुंचे। बता दें कि सत्र को लेकर अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि सत्र न छोटा होता है और न बड़ा होता है, बस उनकी गंभीरता को समझना चाहिए। बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले आज से ये सवाल पूछेगा चुनाव आयोग। बिहार में चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी को और बढ़ाया जा सके और अधिक से अधिक सहभागिता को लेकर आज यानी कि शनिवार से निर्वाचन विभाग के द्वारा राज्य के 243 विधानसभा क्षेत्रों में बेसलाइन सर्वे का शुरुआत किया जाएगा, जो कि 25 जुलाई तक पूरा किया जाएगा। बता दें कि सर्वे के लिए हर विधानसभा क्षेत्र के 20 बूथों का चयन किया गया है, जिसमें से हर विधानसभा के 10 वैसे बूथों के मतदाताओं से फीडबैक लिया जाएगा जहां पर सर्वाधिक मतदान हुआ है। इसके साथ ही बाकी बचे उन 10 बूथों के मतदाताओं से भी सवाल पूछे जाएंगे जहां कम मतदान होते हैं, कि कम मतदान होने के पीछे का कारण क्या है। मालूमों के संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर दिया गया है। बता दें कि सर्वे में मिले जवाब को बेसलाइन सर्वे ऐप पर अपलोड किया जाएगा। वहीं के अलावा इस सर्वे के दौरान लोगों को मतदान में अपनी भागीदारी देने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। धोनी के बर्थडे पर वायरल हुआ ऋषभ पंत का अंदाज। बीते दिन महेंद्र सिंह धोनी का 42वां जन्मदिन था, ऐसे में उनके फैंस उन्हें अलग अलग अंदाज में विश करते नजर आए। वहीं इसी कड़ी में उनके नक्शे कदम पर चलने वाले भारतीय युवा विकेटकीपर ऋषभ पंत का भी धोनी के जन्मदिन को लेकर एक वीडियो वायरल हो रहा। दरअसल इस वीडियो में उनका धोनी को बर्थडे विश करने का अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। उन्होंने माही की एक फोटो लगाकर ऐसा केक बनवाया जहां वह शतक ठोकते नजर आए थे। धोनी के एक हाथ में हेलमेट तो वहीं दूसरे हाथ में बल्ला था। बता दें कि इस पोस्ट को शेयर करते हुए ऋषभ पंत ने लिखा कि आप तो हो नहीं पास, आपके लिए केक काट लेता हूं मैं, हैप्पी बर्थडे माही भाई। इससे पहले पंत ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी धोनी को विश किया। उन्होंने लिखा, आप पूरे देश में बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा है, भारतीय क्रिकेट के लिए आपने जितना किया उस सभी के लिए धन्यवाद, हैप्पी बर्थडे माही भाई। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। 170 सदस्यीय दल के साथ समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने के लिए वास्को डी गामा यूरोप से 1497 में रवाना हुए थे। भारतीय संविधान में सुधार के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रपट 1918 में प्रकाशित की गई। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में विश्व की सबसे बड़ी नहर पंजाब की भाखड़ा नंगल पर जल विद्युत परियोजना की शुरुआत की। असम में भयावह बाढ़ ने 2012 में विश्व प्रसिद्ध कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के 13 गैंडों समेत 500 से अधिक वन्य प्राणियों को ले लिया। ग्वालियर के किले के पतन के बाद लॉर्ड कैनिंग ने 1858 में शांति की घोषणा की थी। भारतीय मार्क्सवादी राजनीतिज्ञ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु का जन्म 1914 में हुआ। हिंदी चलचित्र अभिनेत्री काला पत्थर दीवार नीतू सिंह का जन्म 1958 में हुआ। भारतीय क्रिकेट टीम कप्तान सौरभ गांगुली का जन्म 1972 में हुआ। हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, सशक्त कथाकार, नाटककार और आलोचक गिरिराज किशोर का जन्म 1937 में हुआ। भारत के नवे प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का निधन 2007 में हुआ। वेलकम, में आज हम बात करेंगे आतंकी मुसलमानों के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे आतंकी मुसलमानों के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि एक दावा किया गया है कि एनआईए ने आतंकी मुसलमानों को रिपोर्ट करने के लिए एक विशेष नंबर जारी किया है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह मैसेज भ्रामक है, यहां दिए गए नंबर एनआईए से जुड़े हुए हैं, लेकिन यह मैसेज एनआईए इंडिया द्वारा जारी नहीं किया गया। ट्रक ड्राइवर्स के केबिन में एयर कंडीशन होगा अनिवार्य। कुछ दिनों पहले केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा कहा गया था कि ट्रकों के ड्राइवर्स के केबिन में एयर कंडीशन लगाए जाएंगे, ताकि उन्हें गर्मी के दिनों में वाहन चलाने के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। बता दें कि सरकार की ओर से ऐसे ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को मंजूरी दे दी गई है। दरअसल सरकार का कहना है कि ऐसा करने से ड्राइवर्स को आराम मिलेगा और साथ ही उनकी एफिशिएंसी में भी सुधार देखने को मिलेगी। बता दें कि ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को मंजूरी देने को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा ट्वीट कर यह जानकारी दी गई है कि N2 और N3 श्रेणी के ट्रकों के केबिन में एयर कंडीशनिंग सिस्टम की स्थापना को अनिवार्य करने के लिए मसौदा अधिसूचना को मंजूरी दी गई। सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने में ट्रक चालक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह निर्णय ट्रक ड्राइवरों के लिए आरामदायक काम करने की स्थिति प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिससे उनकी दक्षता में सुधार होगा और ड्राइवर की थकान की समस्या का समाधान होगा। भारी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार।
हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। बता दें कि बीते दिन कारोबार खत्म होने पर बीएसई सेंसेक्स 505 अंकों की गिरावट के साथ 65,280 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 165 अंकों की गिरावट के साथ 19,331 अंकों पर बंद हुआ। बता दें कि एफएमसीजी और बैंकिंग इंडेक्स के स्टॉक्स में तेज गिरावट के चलते निफ्टी एफएमसीजी 823 अंक गिरकर 52,942 अंकों पर बंद हुआ तो निफ्टी बैंक 414 अंकों गिरकर 44,925 अंकों पर बंद हुआ है। आईटी, फार्मा, मेटल्स, एनर्जी, इंफ्रा, हेल्थ केयर, ऑयल एंड गैस, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर के शेयर भी गिरकर बंद हुए। केवल ऑटो, मीडिया और पीएसयू बैंकों के स्टॉक्स में तेजी रही। सेंसेक्स के 30 शेयरों में केवल 5 हरे निशान में बंद हुआ, जबकि 25 गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी के 50 शेयरों में 7 शेयर तेजी के साथ और 43 गिरावट के साथ बंद हुए। बता दें कि बीते दिन निवेशकों को 2,00,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बीते दिन हमारा पूछेगा सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारा पूछेगा सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है विनय राज, कल्याणी चौधरी, पंचम वर्मा, मृत्युंजय कुमार, रंजीत मिश्रा, गायत्री कुमारी, कमलेश शर्मा, श्रवण कुमार रॉय, शंकर मुखिया, मंटू कुमार, अनवर करीम खान, राजकिशोर महतो, रघुनंदन कुमार, धीरेन्द्र कुमार, ऋषि देव, पंकज कुमार दास, बाबूलाल मरांडी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार इस बार के बिहार विधानसभा मॉनसून सत्र में बीजेपी की ओर से राज्य से जुड़े कौन कौन से मुद्दे उठाए जाने चाहिए? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।